बात यह है कि हमने इस शरीर को भीतर से बनाया है, तो इस शरीर को बनाने वाला भीतर है। अगर आपको कोई मरम्मत करानी है तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मैकेनिक के पास? If you had access, अगर आपकी पहुंच हो तो आप निर्माता के पास ही जाना चाहेंगे। अगर आपकी पहुंच नहीं है तो आप मरम्मत के लिए लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे। अगर मेडिकल साइंस नहीं होता तो मेरे ख्याल से आधे लोग मर चुके होते यहां इस ऑडियंस में, हाँ? क्योंकि सन 1947 में एक भारतीय की औसत आयु 28 साल थी, आज ये बढ़कर 64 साल हो गई है। इसका मुख्य कारण है मेडिकल साइंस जैसा ये आज है। तो मैं मेडिकल साइंस की अहमियत कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है। पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ हासिल किया गया है। सवाल बस ये है, अगर आपके पास उस स्रोत तक पहुंच होती जिसने इस शरीर का निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से हर उस समस्या को संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर में भीतर से पैदा करते हैं। बीमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और पुराने रोग। हमें संक्रामक रोग किसी बाहरी वायरस के हमले की वजह से होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, बैठकर ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इस धरती पर 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। मैं खुद की बनाई हुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भीतर से पैदा हुई हैं। तो जो चीज आपके भीतर से पैदा हो रही है उसे बड़ी आसानी से आपके भीतर ही ठीक किया जा सकता है। आपके पास जो कुछ बाहर से आता है उसके लिए आपको बाहरी मदद चाहिए। अगर आपको किसी जीवाणु से लड़ना है तो आपको दवा चाहिए। तो बाकी सारी लगभग 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। आपका शरीर आपके खिलाफ काम क्यों करेगा? यह शरीर दरअसल स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह आपके खिलाफ क्यों काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसे खुश नहीं रख रहे हैं। अगर सरल तरीके से कहें, आपका अपना परिवार आपके खिलाफ क्यों होगा? कहीं ना कहीं वो आपसे खुश नहीं है, है ना? वो आपसे खुश नहीं है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं और कुछ अंग किसी कारण से आपसे खुश नहीं है। आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इसका तरीका है, इस पर बाकायदा ध्यान देने का तरीका है। क्योंकि शरीर में हर चीज भीतर से ही बनी है। जब ऐसा है तो क्या इसे भीतर से ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या होता है? मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि बिजली क्या होती है। मैं यहां आया, मैंने बस दीवार के उस हिस्से को दबा दिया और चारों ओर रोशनी हो गई। आपको क्या लगा कि मैं कौन हूं? मान लीजिए कि आज से 1000 साल पहले अगर मेरे पास सेल फोन होता, मैं अपना फोन निकालकर अमेरिका में किसी इंसान से बात करता, तो आपको लगता कि मैं भगवान हूं, है ना? तो चमत्कार यानी कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा जो आपकी लॉजिकल बुद्धि में फिट नहीं होता, वो आपको चमत्कार लगता है। जैसे जैसे आपका लॉजिक विकसित होता है, बहुत सी चीजें जो आज से 100 साल पहले चमत्कार लगती थी, वो आज रोजमर्रा के जीवन की आम चीजें हैं, है ना? तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस आपके अपने शरीर की और जिस तरह से ये बना है उसकी एक ज्यादा गहरी समझ है। तो ये ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।